इसी वक्तव्य पर विस्तार से बात रखने के लिए मैं SFI शिमला जिला अध्यक्ष कॉमरेड कमल शर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और इस वक्तव्य पर विस्तार रूप से बात रखें। तो जोधपुर में जो रेप की दो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उसमें ABVP के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता को लेकर जो है शक जाहिर किया जा रहा है और यही वजह है कि मांग की जा रही है कि ABVP से जो जुड़े हुए लोग हैं जो इस कृत्य में शामिल थे उनको जो है वो सजा होनी चाहिए। टपक रहा है जख्मों से दोनों फिरकों में, वो गौर से देखो तुम्हारा खून तो नहीं। टपक रहा है जख्मों से दोनों फिरकों में, उसे गौर से देखो कि वो तुम्हारा खून तो नहीं। इसका नाम बदल कर कुछ और रख दो, इसका नाम बदल कर कुछ और रख दो मौजूसा, कहीं ये तुम्हारा वजू तो नहीं। अरे समझ कर मेरी इज्जत जो तुमने लूटी है, समझ कर मेरी इज्जत जो तुमने लूटी है, अरे संगियों कहीं वो तुम्हारी इज्जत तो नहीं। अरे भगवान जिसका चोला है जय उसी के भोला है, अरे भगवान जिसका चोला है जय उसी के भोला है, भोला उपिरन पर रोक लगा रोक लगा रोक लगा, भोला का जो चल नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, बंद करो बंद करो। डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद SFI राज्य अध्यक्ष रमन थाटा जी, वो मेरा SFI का क्रांतिकारी साथी, यहाँ पे मौजूद पुलिस का साथी, मीडिया का साथी, वो सर्वोपरि यहाँ पे शिमला शहर की जनता। साथियों, मुझसे पहले वक्ता ने आपको इस धरना प्रदर्शन के पूरे पॉइंट्स बताए हैं, उस पर मैं अभी थोड़ा विस्तार से उस बात को रखूंगा। आज SFI यहां पर DC ऑफिस के बाहर जो रोष प्रकट कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, अपना जो गुस्सा है वो पोस्टरों के माध्यम से या नारों के माध्यम से यहां पर रख रही है। जैसा कि साथी ने भी कहा कि ये मामला, ये गैंगरेप का मामला राजस्थान के जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक नाबालिग दलित जो छात्रा थी उसके साथ का है। छात्रा का बलात्कार होता है। साथियों, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा या फिर आप कहीं ना कहीं उनकी नौटंकियां देखते होंगे। वो सबसे बड़ा छात्र संगठन और राष्ट्रभक्ति होने का, राष्ट्रवादी होने का दावा यहाँ पे ठोकता है या सोशल मीडिया पे ठोकता है। भले ही अगर उसका इतिहास देखें तो जो उसके राष्ट्रवादी नेता हैं, जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, जो इतिहास के सबसे बड़े दलाल लोग थे, वो उनके सबसे बड़े आदर्शवादी नेता होते हैं। अरे राष्ट्रवाद के नाम पर लड़कियों का बलात्कार करने वाली ABVP मुर्दाबाद, ABVP मुर्दाबाद, 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 पिछाक पासी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, बलात्कार करने वाली ABVP को बैन करना होगा, करना होगा, करना होगा। साथियों, जो आप लोग यहां मौजूद हैं, आपका भाई बहन या फिर स्कूलों में पढ़ रहा है या विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर जाता है, तो जो उस नाबालिग दलित छात्रा का जो बलात्कार करते हैं, जो संगठन है जिसके खिलाफ हम आज यहां नारे भी लगा रहे हैं, वो इन सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूलों के अंदर भी जाता है,
वो वहाँ पर कहता है कि हम आपको शिष्टाचार सिखाएंगे। आप सभी से अपील है कि अपने बच्चों अपने भाई बहनों को उनके शिष्टाचार से दूर रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा शिष्टाचार सीखेंगे तो मुझे लगता है समाज में इंसान से ज्यादा तो वही सीधे इंदे घूमेंगे। इसलिए आज हम यहाँ धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी उनका खुला विरोध कर रहे हैं। जोधपुर के अंदर वो अपने संगठन में लोग जोड़ रहे हैं कि तुम्हें नौकरी दिला देंगे। हालांकि वही यहाँ पे भी जो निजी कॉलेजेस है या फिर बाकी कॉलेजेस है, यहाँ पर भी वही करते हैं। वो बच्चों को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है वो सरकारी संगठन है। वो कहीं ना कहीं जब उनकी सरकार आती तो तलवे चाटने का काम करती है, तो छात्रों को जोड़ने के लिए उनके पास झूठी जानकारी या फिर लोभ लालच के अलावा कोई और काम नहीं होता है। तो वो कहेंगे कि तुम एबीपी ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। हमारे लिंक बड़े बड़े एमएलए बड़े बड़े मंत्रियों से है। अपने एक दो फोटो दिखाएंगे वो, क्योंकि जाते रहते हो हमेशा उनके पास रिपोर्टिंग करने कि हमने आज इतने लोगों का बेवकूफ बनाया, आज हमने इतनी चाटुकारी का करी है। तो जाते रहते हैं, वहां पे दिखाएंगे वो। तो बेचारा जो नया बच्चा कॉलेजेस के अंदर आता है वो भी उस इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि अरे फलाने भाई का तो उस मंत्री से लिंक है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस संगठन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उनकी गतिविधियों में जाना शुरू करता है तब पता चलता है कि वो संगठन सांप्रदायिक संगठन है। हिंदू मुसलमान के नाम पे पहले उसके दिमाग में शुरू की जीबियां कराएगा वो, उसको किसी स्पेशल धर्म के प्रति नफरत तैयार करेगा और धीरे धीरे उसके साथ और अच्छी दोस्ती करके